ये मुश्किलों का दौर है टल जाएगा, ये मुश्किलों का दौर है टल जाएगा, जब जुड़ेंगे सच कहने वाले लोग तो वक्त भी बदल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश आर्य और आप देख रहे हैं बड़े चलो न्यूज। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जबरन टीकाकरण के खिलाफ सख्त रुख हो गया है। सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में जैकब पुलिल की तरफ से एक याचिका दायर की थी कि पूरे देश में जबरन टीकाकरण किया जा रहा है। इस याचिका की सुनवाई 13 दिसंबर को हुई। इस केस में केंद्र सरकार ने अदालत को कहा कि हमारी तरफ से टीकाकरण को स्वैच्छिक रखा गया है, हम किसी को टीके के लिए फोर्स नहीं कर रहे हैं। इसका साफ साफ मतलब है कि राज्य सरकारें जबरन टीकाकरण करा रही हैं, जबकि कानूनी तौर पर केंद्र सरकार के खिलाफ जाकर राज्य सरकारें इस तरह का कोई नियम लागू नहीं कर सकती। ऐसे में सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने अदालत से मांग की कि राज्य सरकार को इसमें पार्टी बनाया जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को एक नोटिस जारी किया है कि सभी राज्य सरकारें बताएं कि वह जबरन टीकाकरण करा रही हैं या नहीं, यदि करा रही हैं तो कौन से कानून से, वो कानून कोर्ट को भी बताया जाए। इसके साथ साथ बॉम्बे हाई कोर्ट में भी याचिका डाली गई, बहुत सारी याचिका डाली थी, जिनमें से एक की सुनवाई 14 दिसंबर को हुई। इस याचिका को एडवोकेट नीलेश ओझा और युहान टेंगरा ने डाला था। इसकी सुनवाई में लगभग 2.5 से 3 घंटे चली। इस सुनवाई में मेनली दो पॉइंट थे। पहला, टीके के आधार पर दो व्यक्तियों में भेदभाव कैसे किया जा सकता है, और दूसरा, टीके लगे हुए आदमी और न लगे हुए आदमी के साथ फर्क क्यों किया जा रहा है, उन दोनों में क्या फर्क है, जिसके जवाब में सरकार के वकीलों ने सही दलील नहीं दी, जिससे जजेस सेटिस्फाइड नहीं दिखे, जिसके तहत बॉम्बे हाई कोर्ट ने बॉम्बे के मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी को एक नोटिस जारी किया है। इसमें पूछा है कि लोगों के बीच में जो भेदभाव आप कर रहे हैं कि टीका लगा हुआ आदमी कम खतरनाक है और लगा न लगा हुआ आदमी ज्यादा खतरनाक है, इसका आपने जो वैज्ञानिक आधार तैयार किया है वो क्या है, आप इसको बताएं, और दूसरा, किस कानून के तहत आप इस तरह का भेदभाव लोगों में कर रहे हैं, वो जो लॉ, जो कानून जिसके तहत आप कर रहे हैं वो भी कोर्ट को बताया जाए। अब इसका जवाब उन्हें 22 दिसंबर यानी आने वाले बुधवार तक देना है, और ये जवाब उन्हें एफिडेविट पर लिख कर देना है। आप शायद जानते होंगे कि एफिडेविट पर झूठ लिखने का मतलब होता है लगभग 7 साल की सजा। इसका मतलब पूरे आसार हैं कि वह इसे गलती मानते हुए फोर्स वैक्सीन रोक देंगे। देखते हैं क्या होता है। सरकारें हैं, कुछ न कुछ सोल्यूशन निकाल लेते हैं, लेकिन लगता ऐसा है कि फोर्स वैक्सीन के लिए उन्हें अपनी गलती माननी पड़ेगी, और अगर ऐसा नहीं मानते तो उन्हें एफिडेविट में यह बताना पड़ेगा कि वो किस लॉ से, किस कानून से ऐसा कर रहे थे। अदालत में जिरह तो बहुत पॉइंट्स पर हुई, जैसे कि केस का आधार में जो स्टडीज दी गई हैं वो भारतीय नहीं है, जिसके जवाब में एडवोकेट नीलेश ओझा ने कहा कि भारत सरकार के पास अपनी कोई स्टडी नहीं है और अन्य सभी मामलों पर भी भारत सरकार दूसरे देशों की स्टडीज को ही मानती आई है। स्टेट के वकील ने यह भी कहा कि फॉल्स वैक्सीन लेने वाले लोग बहुत सारे हो गए हैं, फॉल्स वैक्सीन के लिए सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। इस पर एडवोकेट नीलेश ओझा ने दलील दी कि वैक्सीन लेने से लोग डर रहे हैं, उन्हें लगता है कि वैक्सीन से मौत का या अन्य खतरे हो सकते हैं सेहत को लेकर, इसीलिए वो लगभग 1500-1000 रुपए में दिए जाने वाले फॉल्स सर्टिफिकेट को अपने साथ ले रहे हैं। अगर उन्हें लगता कि वैक्सीन सही है, वैक्सीन कंपनियां सही हैं, या उन्हें सरकार पर विश्वास होता वैक्सीन को लेकर, तो फ्री में लगने वाली वैक्सीन क्यों ना ले लेते। इसके जवाब में अपोजिट वकील कुछ कह नहीं पाए और जजों को भी लगा कि बिल्कुल सही कहा जा रहा है।
समस्याएं बहुत हैं वैक्सीन को लेकर, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं, कंपनीज ने क्या दिखाया है और टीवी चैनल्स क्या देख रहे हैं। अगर आप सच देखना चाहते हैं तो हमारे जैसे चैनलों तक आना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मैटर है लेकिन किसी भी मीडिया में नहीं दिखाया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट आज का सबसे बड़ा मैटर हैंडल कर रहा है और वो है टीकाकरण, जो जबरन टीकाकरण हो रहा है और उस पर अपने ऑर्डर पास कर रहा है, लेकिन ये सारे ऑर्डर्स कहीं नहीं जा रहे, कोई मीडिया चैनल नहीं दिखा रहा। हाई कोर्ट अपने ऑर्डर पास कर रहा है लेकिन इस चैनल कोई भी चैनल नहीं दिखा रहा है। क्यों, वजह क्या हो सकती है, ये आप खुद सोच सकते हैं, लेकिन आपके जीवन में जो टीकाकरण हो रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इतनी महत्वपूर्ण चीज को दिखाया नहीं जा रहा। अब आप देखें कि कहीं छोटा सा घटना हो जाती है उसको भी इतने बड़ी बड़ी बनाकर दिखाया जाता है, लेकिन इतनी बड़ी घटना जो हो रही है लोगों के साथ, जो टीकाकरण हो रहा है या जबरन टीकाकरण हो रहा है या लोगों को पसंद नहीं है या पसंद है, उसके खिलाफ कोर्ट में याचिकाएं जा रही हैं और हजारों याचिका पहुंच चुकी हैं, लेकिन आपको अभी तक नहीं पता कि क्या हो रहा है। तो ऐसे में अच्छी खबर उन लोगों के लिए है जो जबरन टीकाकरण के खिलाफ थे कि अब कोर्ट सख्त हो चुका है और शायद कुछ अच्छा ऑर्डर पास हो जाए इस बुधवार को। अगर आप ये सारे ऑर्डर देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जो 13 दिसंबर को पास हुए हैं। अगर आप इनको डिस्क्रिप्शन में पढ़ना चाहते हैं तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसी किसी खास खबर के साथ फिर से मैं हाजिर हूंगा। मैं हूं राजेश आर्या और आप देखते रहें बड़े चलो न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।